लोकसभा के हवाले से खबर दिखा देते हैं कि लोकसभा चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर में किस तरह से रणनीति तैयार की जा रही है और सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हर सियासी जमात अब कमर कस चुकी है। जम्मू में मंगलवार को जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भारत सिंह सोलंकी ने यहां पर पीसीसी के नेताओं के साथ बैठक कर चुनावों की रणनीति पर चर्चा की थी, वहीं आज जम्मू स्थित नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय में पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भी पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं। उधर कल यानी कि वीरवार को पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रभारी तरुण चुग और सह प्रभारी आशीष सूद सहित पार्टी के कुछ अन्य राष्ट्रीय स्तर के नेता भी लोकसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेंगे। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए अब यहां पर पैठ बनाने की काम हर एक का पार्टी जो है वो करती नजर आएगी, लेकिन उस बीच में अब देखना ये होगा कि समीकरण जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से रहेगा। आपको ये बताते चले कि जिस तरह से आपको ये पहले भी बताया गया था कि लोकसभा चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है और उसके बाद विधानसभा के अगर चुनाव होते हैं तो किस तरह से यहां पर आंकड़ा जो है वो देखने को मिलेगा, समीकरण बदलता समझ जाएगा, क्योंकि आप देखिए 2019 के बाद किस तरह से पहला एक बड़ा चुनाव इसे माना जा रहा है। लोकसभा चुनावों में हर पार्टी अपनी कवायद जो है वो झुक चुकी है, अपने अपने कार्यकर्ताओं को काम पे लगा दिया गया है, लेकिन फिलहाल एक एक करके किस तरह से अब आप देखिए जिम्मा जो है वो कार्यकर्ताओं के कंधों पर रहेगा। भाजपा मुख्यालय से आप तस्वीर देख रहे हैं और दूसरी तस्वीरें आप नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय से देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी आज एक बैठक होने वाली है और कल यहां पर भाजपा जो है वो कमर कस सकती है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा दमखम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी पर जानकारी लेंगे, अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे जानना चाहते हैं लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए हर एक पार्टी कवायद को तेज कर चुकी है, अपनी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो आज बैठक रखी गई है उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है और कौन कौन लोग शिरकत करने वाले हैं? इसमें खास अगर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है गुजर बकरवाल के तमाम वो तबका जो है उनको यहाँ पर जो है उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो उनको संबोधित कर सकते हैं और अपना वक्तव्य जो है मीडिया के सामने रख सकते हैं। मगर उसी बीच अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कांग्रेस किस तरह से पैंट बनाती नजर आई है, और उसी बीच अगर हम बात करें तो आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के अंदर हमने देखा कि इससे पहले कोट भलवाल के अंदर जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा जो है तमाम लोगों को संबोधित किया गया था और अपनी ओर अग्रसर करने की ओर जो है लगातार वक्तव्य रखे गए थे। मगर वहीं पर आज एक बार फिर से गुजर बकरवाल समुदाय की बात करते हैं तो आज उनका तबका जो है एक बड़ा तबका जो है उनके साथ मुलाकात करेगा, उनको संबोधित भी करेंगे और अपनी वक्तव्य जो है वो रखेंगे। और क्या खास है, लेकिन अनिल स्पीच में मुद्दे कौन कौन से गिनाए जाएंगे, क्या घोषणा पत्र को लेकर बातचीत हो सकती है, किस तरह से मुद्दे जो है वो सामने रखे जाएंगे कि आम जनता के ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो बटोरे जाए? मुद्दों की अगर हम बात करते हैं जहां पर हर एक चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का, हालांकि इससे पहले इंडियन अलायंस का एक हिस्सा है, वो एक अभी खाका तैयार किया जाएगा और उसी के बाद रोड मैप उतार कर जो है इस मुद्दों को लेकर, हालांकि जो जनता के आम मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है लगातार जनता अपनी आवाजें उठाती हुई नजर आई है, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो या फिर अन्य मुद्दे हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, उनको लेकर भी ये सारी बातें जो है वो आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जो है वो रख सकते हैं। अनिल, एक और बड़ा सवाल है यहाँ पर कि पहले जिस तरह से 5 सीटें हुआ करती थी लेकिन एक सीट को बढ़ाकर आपने देखा कि आधी आधी सीट किस तरह से जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग को दी गई तो 6 सीटें हो गई है, और पहले की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में ज्यादातर सीटें जो है वो देखी गई थी और भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में रहने वाली है। क्या लगता है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी समीकरण को किस तरह से बदल सकती है, क्या कोई रणनीति में बदलाव किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी? देखिए, समीकरण की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीर क्षेत्र की 3 सीटों पर ही अपना जो है पूरा दमखम जो है वो रखना चाहती है, क्योंकि इससे पहले पीडीपी की बात करते हैं तो पीडीपी का भी कहना है कि एक सीट जो है वो हमें कश्मीर से मिलनी चाहिए, और वहीं पर कांग्रेस का ये कहना है क्योंकि इंडियन अलायंस का एक हिस्सा है और इंडियन अलायंस के हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो पीडीपी के वक्त का भी यही कहना है कि एक सीट जो है वो कश्मीर से हमें मिलनी चाहिए, और वहीं पर कांग्रेस का भी यही कहना है कि अनंतनाग से एक सीट हमें मिलनी चाहिए, जिसको लेकर अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी कई सारा घमासान जो है वो इंडियन गठबंधन के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको लेकर भी अभी कई सारी बातें खुलकर सामने नजर आनी है और इस पर भी चर्चाएं होनी है, ये एक अहम कड़ी है।
और वहीं पर आपने बीजेपी का जिक्र किया है, तो कल 18 तारीख को एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें नेशनल जनरल सेक्रेटरी की बात करते हैं सुनील बंसल जो हैं वो कल यहां पर पधारेंगे, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग रहेंगे और सह प्रभारी आशीष सूद रहने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहने वाले हैं, रविंदर रहने वाले हैं, अशोक कोल इस बैठक में रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी पैठ बनाने के लिए जो है लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जो है हर एक पार्टी जो है वो अपनी कमर जो है वो जम्मू कश्मीर में कस चुकी है। चलिए अनिल, लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जीत जो है वो दर्ज यहां पर पार्टियां करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जुड़ने के लिए, क्योंकि इस बार आप देखिए डीपीएपी भी मैदान में उतर चुकी है, अपनी पार्टी है, पीपल कॉन्फ्रेंस है, कई और भी पार्टियां जो इस बार अपना लोकसभा के अंदर दमखम जो है वो देखेंगी कि किस तरह से काम जो है वो होगा। लेकिन फिलहाल अगर पहले की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और बीजेपी की कांटे की टक्कर आपस में लोकसभा चुनावों में रहती है, क्योंकि कांग्रेस का जाहिर तौर पर 5% वोट शेयर जरूर बढ़ा था लेकिन सीट कोई भी खाते में नहीं आई थी। अब देखना यह होगा कि किस तरह से अपनी पैठ बनाई की जाती है और जीत किस तरह से दाखिल यहां पर होगी, क्योंकि जनता जनार्दन है वो बेहतर तरीके से समझती है। आगे बढ़ जा